मुकुंदपुर। ये कौन सी शॉप है भाई? शेर होगा यहाँ पे। वो घूम रहा है। दारा आ गया, अभी तो फिर पता लगेगा। यहाँ से बहुत मजा आता है। लोग कहाँ चले गए? बाहर ही हैं। क्यों नहीं आ रही है? तुम साइकिल लेके आए क्या? क्या हो गया? पूरी कहानी बताइए। क्या नहीं वीडियो नहीं। अरे हम ऐसे ही कट कर देंगे, नहीं डालेंगे। बताइए कहानी बताइए बताइए बताइए। आ जाएगा सही में गुरु तो फिर। टाइगर को पिंजरे के अंदर रखे हो कैद करके, और उसके बाद बाहर से बहादुरी दिखा रहे हो कि टाइगर टाइगर एक बार छूट जाए। टाइगर बहादुरी नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं कि कैमरे में कैद। अरे नहीं, कुछ हीरो गिरी भी रहती है। कर रहा था पानी का बोतल, मैं कार में रखा था, ले लेना था तुमको। अरे होगा, मिल जाएगा पानी यार। वो उधर लायन, वो लायन बोला। मगरमच्छ है क्या यहाँ? क्या क्या दिक्कत हो रही है? मांस में दिक्कत हो रहा है कि जानवरों को जू में देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत ख़राब लगता है। और जैसे लोग खुश होते हैं, अरे यार वो टाइगर है, अरे यार वो लायन है, मुझे नहीं मज़ा आता सच में। खुले में भी इनकाउंटर नहीं चाहता मैं कि पता लग निपटा दें, पर वो खुले में घूम रहे हो, हम बंद हों गाड़ी वगैरह में, तब देखना ठीक है जंगल में। बट जब पिंजड़े में होते हैं जानवर, शेर भालू लायन जैसे, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझको। मुझे पता नहीं आता लोगों को खुशी क्यों लग रही होती उस टाइम, पिकनिक क्यों लग रहा होता, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता। फिलहाल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं जब भी आया मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। जिन जानवरों का हक है खुले में जंगल में घूमने का, उनका हक मार रहे हो, उनको कैद कर रहे हो, उनको आइटम बना के रखते हो। मुझे बिल्कुल नहीं मजा आता जानवरों को पिंजड़े में देखने में। ये कौन सी जगह? यहाँ पे मेरे हिसाब से चिड़िया चिड़िया वगैरह कुछ है क्या? नहीं चिड़िया नहीं, वहाँ कोई जानवर है। कौन सा जानवर है मेरे समझ में नहीं आ रहा। साही बोलते हैं क्या उसको? बहुत सारे कांटे होते हैं जिसके। क्या है ये? फॉक्स है क्या? नहीं नहीं। यहाँ पे क्या है जिसमें तो अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है?
अपकमिंग आने वाला अभी नहीं है। कॉमन जानवर है, हम जब सोलर प्लांट वगैरह रहते थे या गांव वगैरह में, तो ये बेचारा बहुत कॉमन जानवर है आज़ादी से घूमने वाला। इसको भी पकड़ के यहाँ पे जेल में डाल दिए। आप तो कहाँ पूरे लोग? एक बार में कितने लोग घुसेंगे भाई? 30 सीट गाड़ी है, 30 सीट। वैसे यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, समझे ना? अगर 30 सीट है तो 30 सीट ही बुक होनी चाहिए। 30 सीट का ही पूरा बुक करते हैं, मतलब अगर देखिए बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। ये बस है जो अंदर ले जाएगी बड़े पिछड़े में, जहाँ पे सफेद रखा गया है। हम लोग ऐसा अनुभव करेंगे कि शेर पिछड़े में नहीं है, जंगल में। ये हम बस में रहेंगे और हम बड़े पिछड़े के अंदर घुसेंगे शेर को देखने के लिए। इस बड़े पिंजरे के अंदर हम लोग आते हैं, फिर इससे घुसते हैं, वाली इंट्रेंस वाला गेट जो है वो बंद होता है, फिर जंगल वाला गेट खुलता है और फिर हम लोग अंदर जाते हैं। बस बड़ा मछली वहाँ खाने जा रहा है। अपने घर बुला लीजिए नानी, अपने घर ले चलते ना, अच्छा खिलाइएगा। वीडियो बना वीडियो देख, कोई ना कोई हरकत को देख के ये कलर बहुत बढ़िया लगता है इस गाड़ी का। यारी बताते होते ये रॉयल बुक करके हम ही पूरी बुक कर लेते हैं। गोविंदगढ़ में खाना खाएंगे बढ़िया लेक रिसोर्ट में। गोविंदगढ़ पहुंचते तक एनर्जी के लिए कुछ चाहिए था, तो ये बर्गर साथ में लेके आए, तो बर्गर खाएंगे अब। वाह रिकी वाह, कमाल करते हो। भाई यहाँ के आम फेमस हैं, छोटे मोटे चीज नहीं है यहाँ के आम। ये है ना, यहाँ पे बैठ सकते हो। ये जो गार्डन टाइप का दिख रहा है, ये इधर भी आप इधर बैठ सकते हो, आप उधर भी बैठ सकते हो, पानी के पास बैठते हैं। और भी ऐसी कोई जगह नहीं, वही है। नहीं नहीं, वो बंद, वो बंद रहता है शायद। मेरे को सच बोलूं, मुझे यहाँ ज्यादा बढ़िया खाने वहाँ लगता। भीड़ ज्यादा है, यहाँ खा क्या है, थोड़ी खाएंगे। ना?
यहाँ पे जब हम लोग छोटे थे, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से तब आया करते थे, वहीं बैठा करते थे, तब ये छपरा वगैरह नहीं लगा था। ये जगह अच्छी है, थोड़ा शांत है, हालांकि इतनी बार आए कि बोर हो चुके हैं। आ जाए वापस, अग्रवाल चाट खाएंगे अब। बंद है अग्रवाल चाट, बहुत बहुत बधाई हो।